आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर को लेकर? आईडीएफसी बैंक के 51,000 शेयर हैं जी। 51,000? क्या बात है, 51,000 हैं जी। मैंने 37 के एवरेज बाइंग पे लिया हुआ है। तो मैं होल्ड कर सकता हूँ कितनी देर? जी आप मेरी तरफ से एक सलाह मानिए अपने दोस्तों को ना, थोड़ी सी तो आप पार्टी दे दीजिए। 37 वाला आपका शेयर 87 का है, मतलब प्रति शेयर 50 रुपए का मुनाफा। उस हिसाब से 2,25,00,000 रुपए का आपको मुनाफा हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। बहुत बधाई आपको पहले। इसमें निमेश जी क्या करें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत एक स्टेलर रनअप हमने देखा है और औसत भाव के हिसाब से तो डबल से ज्यादा हो गया। एथिक्स ये कहती है कि जब पैसे डबल हो जाएं तो सोचे विचारे थोड़ा मुनाफा वसूली करने के बारे में। आप क्या सलाह देंगे? देखिए एथिक्स यही कहती है, बट सेकंड जो एक कोट है वो भी कहता है कि प्रॉफिट को आपको नर्चर करना चाहिए और लॉस को काटना चाहिए। तो जिस तरह से प्रॉफिट को आपने नर्चर किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कंपनी की अगर फंडामेंटल पोजीशन देखें तो काफी स्ट्रांग है, और जिस तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो इश्यू थे वो पर्टिकुलरली टेलीकॉम स्पेस से जहां पर उसकी लेंडिंग थी वहां पर लेके आ रहे थे, और इसीलिए मार्केट जो है उसको कंपेयर टू अदर बैंक एक प्रीमियम नहीं दे रहा था। बट फिलहाल वो इश्यू जो है काफी हद तक रिजोल्व हो चुके हैं और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफी एक बेटर सेट में अंदर आ गई है। मेरा मानना है कि अब रिवर्स मर्जर की भी बात हो रही है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये काउंटर के अंदर होल्ड बनाए रखना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि मिनिमम 150 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन वहां पर आप एक बार जरूर से रिव्यू करवाएगा, बट ऑल ओवर व्यू मेरा जो है वो बुलिश है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ और आप बने रहे अपने इन्वेस्टमेंट।